किसने इनवाइट किया है तो मुश्किल है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कोई कंफर्म नहीं है। तो जहाँ मैं इंटरव्यू देने गई थी वो था इवेंट मैनेजमेंट का पूरा, और आप लोगों ने सुना होगा पुणे लोकल में जो लोग हैं वो है मेफील्ड ईस्ट का, जो कि अच्छा है, पर अभी जितना मैंने सोचा है कि मैं वहाँ ज्वाइन तो शायद मुश्किल ही है कि मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसका रीज़न है कि वहाँ सैलरी का बहुत इशू, अभी स्टार्टिंग पीरियड में सैलरी बहुत कम दे रहे हैं वो, तो इतने में तो मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे अपने पापा को भी हेल्प करनी है और ख़ुद के लिए भी कुछ सोचना है। तो इतनी कम में सैलरी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इवेंट मैनेजमेंट में, तो अगर आपको सीखने में मतलब टाइम लगेगा तो 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड में वो मुझे सैलरी बहुत कम प्रोवाइड करा रहे थे, तो इसलिए मैंने अभी कोई आंसर नहीं किया उनको, और देखती हूँ क्या करती हूँ, मैं करती हूँ जॉब की नहीं करती हूँ, क्योंकि छुट्टी भी वो मुझे वेडनेसडे ट्यूसडे में एक दिन की मिलेगी, संडे सैटरडे उनका ऑफ नहीं होता है, और हो सकता है कि रात को मैं किसी दिन इवेंट हुआ तो 12 बज गया 1 बज गया तो इतने बजे आना हुआ, या पूरी नाइट का इवेंट हुआ तो पूरी नाइट भी रहना पड़ेगा, तो इतनी मेहनत करने के बाद सैलरी भी आपको नहीं मिल रही है, ऑफ भी आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ऑफ मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी अच्छे से, तभी मैं नेक्स्ट कदम मतलब अपना अगला कदम बढ़ाऊँगी, पता चले फिर से मैं जॉब छोड़ती घूमूँ तो उससे अच्छा है कि मैं अच्छे से सोच लूँ कि मुझे इस फील्ड में जाना है, इसी में काम करना है प्रॉपर, इसी में घुसना है। एंड आज मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए थे, वो मुझे पहले छोड़ दिया, तो मैं इंटरव्यू देने गई थी, फिर मैं अपने पुराने ऑफिस गई थी जहाँ मैं जॉब कर रही थी, वहाँ सर वगैरह से मिली, मैम वगैरह से मिली, और फिर वहाँ से ये इन्होंने मुझे फिर से वहाँ से रिसीव किया, फिर मैं यहाँ मतलब घर आ गई, और अब ये इनका ऑफिस चल रहा है घर से, और नॉर्मली मैंने उन लोगों के साथ बाहर कुछ खाया था, अभी मुझे फिर भी भूख लग रही है थोड़ी सी, तो मैं देखूँगी। कल मैंने बनाई थी पालक की सब्ज़ी, आज मैंने बनाई थी इनके लंच के लिए आलू की सब्ज़ी और पराठे, पर मुझे पराठे आलू नहीं खाना, लेकिन पालक की सब्ज़ी रखी है, तो मैं पहले नॉर्मल होने के लिए रख देती हूँ पालक की सब्ज़ी और चावल, चावल खाऊँगी मैं, मुझे आजकल भूख पता नहीं क्यों इतनी लगने लगी है, और टेस्ट नहीं लग रहा, मेरी तबीयत अभी प्रॉपर ठीक नहीं है, ना इनकी ठीक है, इस बार जो भी ये चल रहा है ना, इस बार का सर्दी जुकाम बहुत ही गंदा वाला है, बहुत ही गंदा वाला, क्योंकि हर चीज़ में नुकसान कर रहा है। और अब आपको मैं दिखाऊंगी अपना थोड़े दिन बाद किचन ऑर्गेनाइज करके, तो वो भी मुझे बताइएगा। अब मैं नीचे कोई भी सामान नहीं रख पाती हूँ, प्लूटो मेरा बहुत नुकसान करता है, हर चीज़ में नुकसान कर रहा है, आप लोग मुझे आइडिया दीजिए यार कि प्लूटो नुकसान ना करे, कैसे मैं इसको संभालूं। आज तो इसने हद ही कर दी, जो मेरी तुलसी मैया का वो है जिसमें मैं दिया जलाती हूँ, दिया रखती हूँ, इसने उसी को निकाल डाला, तोड़ दिया इसने, तो ये करता है, इसकी वजह से बालकनी एरिया डेली साफ नहीं हो पा रहा है, मुझे ही करना पड़ता, दीदी को नहीं कर पाती क्योंकि इसको एक एरिया में बांधना पड़ता, वरना झाड़ू पोछा करना मुश्किल कर देता है ये। तो चलो अब मैं थोड़ी देर लेटूंगी जाके, और फिर उसके बाद चावल मेरे थोड़े से नॉर्मल हो जाए क्योंकि फ्रिज में रखे हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी। मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे भी है, तो उसने इनवाइट किया है, तो मुश्किल है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, कोई कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो ये भाप मशीन मैंने ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से, तो उसे चेक कर रही हूँ कि ये सही है या नहीं। सब्जी और चावल ले आई हूँ, तो अभी मेरा खाना पीना हो गया और ये अभी सो रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है। और मैंने ये कंबल ऑर्डर किया था, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बताइए कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, इसका कलर अपोजिट साइड ऐसा है, तो ये देखिए। मैंने पति को परेशान कर दिया, क्योंकि उनका सर दर्द हो रहा है, लेकिन अभी नहीं कर सकती, जैसे सर दर्द सही हो जाएगा वैसे ही। तो ये महा से आप देख रहे हैं ना कि ये इतने मासूम, दिखने में इतने मासूम जो है इनकी हरकतें, लेकिन इतनी मासूम नहीं है। सामने लड़ाई हो रही थी और ये बालकनी में आराम से खड़े होके देख रहे थे कि किसकी लड़ाई हो रही है, और ये
बकायदा इंजॉय कर रहे थे लड़ाई को। और जब लड़ाई ख़त्म हो गई तो प्लूटो सिंह अंदर आते हैं और अपनी रोटी लेके आराम से अब इंजॉय कर रहे हैं अपनी रोटी को। पहले ये रोटी नहीं खाता था लेकिन अब ये रोटी खाने लगा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। लेकिन सच में इसकी हरकतें ना पता नहीं चलता ये बड़ा है छोटा है या फिर कैसा है, इसको हम लोग कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये अपने आप ही से सब कुछ करता है, सब कुछ सारी एक्टिविटीज़ की सब सारा कुछ अपने तरीके से करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसने अपना गद्दा वगैरह सब कुछ बेकार कर लिया है। तो यहाँ पे पापा प्रदीप मिश्रा जी का जो मंदिर है सीहोर में, वहाँ पे गए थे और ये बहुत ही अच्छा बना है। तो पापा ने ये मुझे वीडियो भेजा था तो मैंने सोचा आप लोगों के भी दर्शन करा दूं। वैसे तो आप लोगों में से ये भी काफ़ी लोग गए होंगे दर्शन करने, तो लेकिन पापा मेरे गए थे, मैं अभी तक नहीं गई हूँ। मेरे पापा को ऐसी जगहों में जाना बहुत अच्छा लगता है, तीर्थ स्थल वगैरह में घूमना, भगवान जी के दर्शन करना बहुत पसंद आता है। तो पापा ने मुझे वो क्लिप भेजी तो मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे पापा सबका वीडियो बना रहे हैं। नॉर्मली मेरे पापा कभी वीडियोस बना नहीं पाते हैं, उनको इतना वीडियोस वगैरह बनाना आता नहीं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम वो कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता है मेरे पापा से ज़्यादा इस दुनिया में कोई सीधा होगा, बहुत ही सज्जन इंसान है मेरे फादर। दुनिया के सबसे ज़्यादा सीधे इंसान में अगर कोई आता है तो मेरे फादर, मतलब मेरा जो थिंकिंग है, क्योंकि मेरे फादर की हर चीज़ में मैंने देखा है कि वो दुनियादारी से दूर रहते हैं और अपने काम से काम अपने अपने उस पर रहते हैं। किसकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या चल रहा है उनको मतलब नहीं है, बस उनको ये मतलब है कि सब अपने अपने तरीके से अच्छे से होना चाहिए सबका। तो ये पूरा उन्होंने मुझे भेजा था वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना है।